हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज समीर एंड यू आर वॉचिंग MSQ व्लॉग्स। सो गाइस, एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग हैं पूना में MK फार्म्स पर। हमारे साथ है आसिफ भाई। इस वीडियो में हम लोग आपको दिखाने वाले हैं कोटा का लॉट। ठीक है, कोटा देखो, खस्सी होने के बाद भी इनके अंदर कितनी मस्ती होती है। ठीक है, तो आसिफ भाई जो है ना, इन्होंने मल्टीपल ब्रीड्स के ऊपर ट्रेनिंग ली है। सोजत हम लोग ने दिखाया, ये सब जो बकरे आप लोग देख रहे हो, ये सब शूट हो चुके हैं, ये हम लोग ने आपको दिखा दिए। अब हम लोग ने एक्सक्लूसिव सिर्फ कोटा के बकरे निकाले हैं बाहर, और इसमें एक सोजत भी है, मक्की छीना कलर, थोड़ा सा यूनिक कलर था, तो वो भी हम लोग ने निकाला। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे आसिफ भाई से कि इसमें इन्होंने क्या मतलब हासिल किया, क्या समझ पाया, और ये कितने दिन से कोटा को प्रिपेयर कर रहे हैं, कोटा के पीछे मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। आसिफ भाई, ये वीडियो में हम लोग कोटा बकरे दिखाने वाले हैं लोगों को। ठीक है, ये कितने महीने से है अपने पास आसिफ भाई? भाई 7 से 8 महीने हो गए। 7-8 महीने ये भी हो गए मेरे स्टार्टिंग करने के बाद। ये शायद 2 महीने बाद मैंने लाया। अच्छा, स्टार्टिंग के ही स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में ही आपने ले लिया? 2 महीने बाद। एक्चुअली क्या था, मेरे को हाइब्रिड रखनी थी। ओके, और कौन सी ज़्यादा ग्रो करती है, क्या करती है, तो उस हिसाब से चेक करना था। कोटा ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, आप इसको देख सकते हैं भाई। अदंत बच्चे हैं पूरे कोटा में, ये सब अदंत है। आप ये देखिए, कोटा एकदम अदंत है। क्या बकरा है, माशाल्लाह, एकदम अदंत बच्चा, चिकनाहट वाला बकरा है ये, माशाल्लाह, एकदम फुल तैयारी में भाई। अभी क्या आप घोड़ा वगैरह, घोड़ा जीरा वगैरह दे रहे हो क्या? बहुत नहीं नहीं भाई, घोड़ा जीरा कुछ भी नहीं देता हूँ। हाँ, फिर मैं इनको खाने में हरी पत्ती, भूसा, जौ, मक्का, गेहूँ, बाकी इसके सिवा कुछ नहीं। हरी पत्ती, तुअर भूसा, जौ, गेहूँ, और मक्का। ये देखो गाइज, ये सब चीज़ें नोट करो। ये 8 महीने में इन्होंने ये मेहनत की है बकरों के ऊपर, और माशाल्लाह रिजल्ट आपके सामने है। तो जो भी न्यू कमर इस फील्ड में आना चाहता है तो आए और ये वीडियो देखें, बहुत अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। मतलब आप देखें तो आपको, अगर आप समझना चाहो तो बहुत सारी चीज़ें इसमें समझने लायक है। ठीक है, कोटा भाई इसमें आप चेक कर लो, कोई भी ऐसा आपको लगेगा नहीं कि खिलाया पिलाया नहीं है या अभी भरा हुआ है। आप कभी भी आओगे तो आपको गोल मटो की दिखेगा। माशाल्लाह, कितने बकरे हैं कोटा में? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। एक इसमें ये जो है मक्की छीना, ये गुजरी में है ना, तो कोटा के साथ अपन ने गुजरी क्यों निकाले? ये भाई एक्चुअली अकेला ही बकरा रह गया। ओके, मेरे पास बड़े बकरे हैं मेवाती में। ये हमारे बहुत अच्छे अजीज जान पहचान के लोग हैं जिनका नाम आपने बताया, ये उनके पास से आया है, बहुत अच्छे इंसान है माशाल्लाह। ठीक है, तो ये सारे बकरे आप देखे कोटा में। ठीक है, ये क्या वेट तक होंगे आसिफ भाई? ये भाई 45 प्लस बकरे, कोई भी ज़्यादा ही होंगे, नीचे नहीं है, ज़्यादा ही 50 प्लस आप पकड़ लीजिए, ये होगा 40-45 प्लस। एक अच्छा अदर वन, इसमें सारे बच्चे जो हैं ज़्यादा ही, इसमें ये वन ऑफ माई फेवरेट है। ओ हो, तारीफ किया तो खुश हो गया लगता है ये। क्या बात है, क्या बात है, बकरा है यार माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। और ये देखें, ये कोटा देखें। तो वेट मशीन अपने पास आने वाली है फ्यूचर में? आने वाली है, फ्यूचर में प्लानिंग है, बट अभी आप वेट का अंदाजन लगा के, अंदाजे से ही, क्योंकि हम लोग वेट के हिसाब से बेच भी नहीं रहे, हम लोग तो नक का ही सौदा कर रहे हैं या पट्टी का सौदा करेंगे, क्योंकि आप है ना? बकरा देखेंगे आपको समझ जाएगा वेट क्या है। हाँ, अंदाजा तो मालूम पड़ ही जाएगा लोगों को, ऐसे बकरा खाली नहीं। बहुत अच्छे। तो एक बार फिर से मैं एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ। एक ये बकरा है कोटा में, ये भी है, इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर है, इसने ये इंशाल्लाह थोड़ा सा वेट तोड़ा है, लेकिन ये रिकवरी पे है ना, ठीक है। एक बकरा ये है कोटा, अब गला पट्टी देख लीजिए, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा, मैं ये बता दूं कि रीज़न कोटा को खस्सी करने का ये है, क्योंकि ये है पूरी समझो ना, काफ़ी VIP टाइप की सोसाइटी है, तो यहाँ पे अगर बकरे चिल्लम चिल्ली करेंगे तो इनको प्रॉब्लम आ जाएगा, आजू बाजू के लोग कंप्लेंट वगैरह करेंगे, तो इस वजह से इनको सबको खस्सी कर दिया। आपका आगे फ्यूचर में मूड क्या है कोटा मतलब अंडुल रखने का? आपको मैं अंडुल रखूंगा भाई, शौक है आपको? शौक है, अंडुल का तो शौक नहीं है, बम्बई पूना का हूँ, बट बम्बई वाले शौक रखता हूँ भाई। कोटा रखूंगा अंडुल, कस्टमर हैं, कस्टमर नहीं खोना चाहूंगा, हर टाइप के कस्टमर आ सके मेरे पास, अंडुल वाले भी। अभी जैसे कि आपने ऑफ कैमरा मुझे एक चीज बताई कि आपके पास कोई क्लाइंट आ रहे थे,
और मतलब वो टाइम के अलावा मतलब ऐसे ही कुछ जी, मैं बता तो दूं। आप टाइम एक बार डिस्कस कर लें, हम लोग वो डिटेल नहीं बताएंगे लेकिन नहीं, अपना टाइम बता दें आप भाई। अगर आपको कभी भी आना है तो 11 बजे से शाम को 7 बजे, आप 10 बजे भी आइए मॉर्निंग में, कोई इशू नहीं है, बट आप मुझे एक बार सुबह इन्फॉर्म कर दीजिए बिकॉज मेरा ऑफिस भी रहता है, मैं बकरों में ही नहीं रहता, तो 11 से 3 मैं ऑफिस में रहता हूँ, आप 3 से 7 कभी भी आ जाइए इवनिंग में, मॉर्निंग में कभी भी आ जाइए, खाली एक दिन पहले मुझे बता दीजिए कि मैं आ रहा हूँ तो आप उसका टाइम मैनेज करके रखोगे, ठीक है। और मैं ही दिखाता हूँ, मैं ही करने वाला, मेरे पास कोई लेबर नहीं है, लेबर का जीरो, इसीलिए आसिफ भाई का हुलिया ऐसा है, वरना हुलिया पे आप मत जाओ, हम लोग टेरेस के ऊपर खड़े, ये इनका बंगलो है, बंगलो की टेरेस पे इन्होंने अपना शौक किया हुआ है, काम किया है हमेशा, माशा बकरों में ऐसा कुछ उठाना कुछ ही नहीं है, बकरे भी मुझे जो है वो देख ही जाएंगे माशाल्लाह, और क्या इंशाल्लाह, तभी बकरे ऐसे बनने भाई, लेबर के भरोसे कभी नहीं बनते जब तक आप एक्सपर्ट ना हो, आप खुद इन्वॉल्व रहोगे ना आपको रिजल्ट अलग ही समझ में आएगा, लेबर लेबर के हिसाब से ही काम करते हैं। मैं बोलूंगा अगर कोई फार्म स्टार्ट करना है ना तो विदाउट लेबर के ज्यादा बेटर है, ज्यादा बेटर, ज्यादा सीखने सीख पाएंगे, एक्सपीरियंस आ जाएगा, थोड़ा नुकसान ज्यादा होगा, 99% भाई डॉक्टर नहीं आता मेरे पास, है ना, माशाल्लाह, बताओ ये इनका 8 महीने का एक्सपीरियंस है लेकिन ये 99% बोल रहे हैं कि मेरे पास डॉक्टर्स आते नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे वेटनरी के डॉक्टर हैं, बुलाओ तो बकरे के लिए बहुत कम है और जो हैं वो आते नहीं है, ओके, थोड़ा उनके लिए एक्चुअली आउटसाइड या आप बोल लीजिए आउटसाइड तो नहीं है पुणे में, बट उनके लिए लगता है दूर है तो इस वजह से लोग यहाँ पे आ नहीं पाते। अब मैं बड़े बड़े फार्मर हूँ, आप नाम ले सकता हूँ तो, बड़े बड़े फार्मर हैं उनसे मैं पूछ लेता हूँ, बहुत अच्छे लोग जो बता देते हैं, ओके, और वो हमेशा थैंक यू का काम जारी रखें तो बहुत ज्यादा अच्छा। सही है माशाल्लाह, उनकी वजह से लोगों को आगे बढ़ने मिलता माशाल्लाह, सही है, और वो बढ़ेंगे तो वो शायद आपके साथ जुड़ेंगे, सही, तो इसीलिए तो ये टोटल बकरे इसमें 6 कोटा है, 1 गुजरी है, है ना, इनका रेट हम लोग क्या कोट कर रहे हैं आसिफ भाई? मैं इनका भाई 25,000 कोट कर रहा हूँ, 25,000 नहीं कर रहा हूँ भाई, ये बकरा दिखा दो, मैं इसको नहीं 25 में छोड़ रहा हूँ, ये अलग आप बोल रहे हो, ओके, बाकी जो 5 बकरे हैं मैं इनका 25,000 कोट कर रहा हूँ, क्योंकि बकरे अलहमदुल्ला का सब गोल मटोल है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसा नहीं बोलूंगा, तो 25,000 आप कोट कर रहे हो, इसमें कुछ नेगोशिएट के चांसेस है? 19-20 हो जाएगा भाई, हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, सही, ठीक है, हो जाएगा, बहुत अच्छे, तो ये कोटा बकरे हैं आप 80 के अंदर है, ठीक है, अदंत है भाई, पहली बात तो अदंत बच्चे, हाँ सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि सबके सब अदंत है, ठीक है, क्वालिटी मिलना आपको भाई, ये बकरा चला गया होगा लगभग 50 पारी हुआ होगा, 50 पारी इंशाल्लाह, है ना, इसके अंदर वही तो बोल रहा हूँ कि माशाल्लाह कोटा जब बनते हैं तैयार, कोटा जब खस्सी कर दो ना तो वो अलग ही दिखते हैं माशाल्लाह, उनके अंदर चाम ही अलग आ जाता है, ठीक है, तो ये सारे बकरे हैं, मैं फिर से एक बार आपको ओवरऑल व्यू दे देता हूँ, जिसमें से 25,000 जो ये कोट कर रहे हैं इसका नहीं बोल रहे, इसका क्या प्राइस बता रहे हो आप? 28,000 to 30,000 तक, 28,000 to 30,000 रुपए ये कोट कर रहे हैं जो भी है नेगोशिएट, इसमें 28 से नीचे नहीं देगी, मान सम्मान की बात है 500 रुपए कम कर देंगे, है ना, बाकी ज्यादा नेगोशिएट के चांसेस नहीं है, क्योंकि क्वालिटी दे रहा हूँ भाई, क्वालिटी बहुत अच्छी, कोई नेगोशिएशन नहीं है, ये देखे ना बहुत अच्छी चीज है, और ये अच्छी तैयार होने वाली चीज है, क्योंकि मेरे को भी खिलाने पिलाने में भी कतरा नहीं रहा हूँ, तो फिर भाई चीज का पैसा मांग रहा, सही है, बहुत अच्छी, तो ये सारे बकरे हैं, नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा आसिफ भाई का, जो कोई भी इंटरेस्टेड हो आसिफ भाई से डायरेक्टली कांटेक्ट करें, हम लोग ये पुणे में एयरपोर्ट रोड पर, ठीक है, एमके फार्म्स पर, ठीक है, तो गाइस वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ, नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर आसिफ भाई का दे दूंगा, ठीक है, जो कोई भी इंटरेस्टेड इनसे डायरेक्टली बात कर लेना, ठीक है, तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।